good morning dear students hope you are all doing well at your places dear student today we will start our chapter 8 let us enjoy so what will you do when you get tired when you get tired what do you do? how do you relax yourself how you relax yourself मे बी यू प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स क्या तो आप, आप में से बहुत से बच्चे जो है अपने आपको रिलैक्स करने के लिए अलग अलग तरह की गेम खेलते हों या फिर टी वी देखते हूँ क्या okay. तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ वी कैन एन्जॉय हाउ वी स्पेंड आर फ्री टाइम Let's start. The minute the bell rings for the lunch break in the school, जैसे ही लंच की जो ब्रेक है बेल है सॉरी बस्ती है तो क्या होता है उसके बाद द चिल्ड्रन फिश दियर लंच क्विकली फटाफट जो बच्चे क्या करते हैं अपना लंच फिनिश करते हैं जैसे कि आप लोग स्कूल आते थे आजकल तो हम नहीं आ पा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पेंडेमिक है जो बीमारी चली हुई है उसकी वजह से हम स्कूल पर नहीं आ पा रहे लेकिन जब आप स्कूल आते थे और रिसेस की बैल जैसे बजती है थी तो आप लोग तो क्या करते थे फटाफट अपना लंच खत्म कर देते हैं और क्यों करते हैं क्योंकि आपको खेलने जाना होता है दे रश टू द ग्राउंड विथ बैट बॉल एंड बैडमिंटन रैकेट्स क्या कर रहा है उन्होंने यहाँ पर यहाँ पर वैसे बता रहे हैं कि जैसे बैल बजी बच्चों ने अपना फटाफट खाना खाया और वो कहाँ की तरफ दौड़े रश मीस दौड़ना ग्राउंड की तरफ को दौड़े किसके साथ अपने बैट बॉल के साथ और बैडमिंटन रैकेट्स के साथ ऐसे ही आप लोग करते थे कि ऐसे फटाफट अपना खाना खाया और खेलने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ गेम खेलने के लिए आप कहा को जाते हैं ग्राउंड की तरफ खेलने जाते हैं मैनी चिल्ड्रंस गो टू द स्विंग्स एंड ईट दियर टिफिन वाइल वेटिंग फॉर दियर टर्न और बहुत से बच्चे कहा की तरफ दौड़ते हैं जहाँ पर झूले स्विंग्स लगे होते हैं झूले लगे होते हैं किसके साथ अपने टिफिन के साथ मतलब क्लास में नहीं खाते वो अपने टिफ़िन के साथ फटाफट झूलों की तरफ तोड़ते हैं और वेट करते हैं तब तक जब तक कि उनका टर्न नहीं आ जाता मतलब कई बच्चे तो स्विंग्स के पास ही बैठ कर खाते रहेंगे और वेट करते रहेंगे कि अब मेरी टर्न आएगी अब मैं जो इस झूले पर बैठूँगा ठीक है बैठूँगी तो वहीं पर ही अपना लंच करते हैं अपनी टर्न जो है कब मेरी टर्न आएगी उसका वेट करते करते यहीं पर अपना लंच भी करते हैं सम चिल्ड्रन रीड स्टोरी बुक्स एंड सम एक्सचेंज दियर बुक्स विद दियर फ्रेंड्स और ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे स्टोरी बुक्स लेकर आते हैं है ना तो वो उन स्टोरी बुक्स को पढ़ते हैं उस टाइम पर और क्या करते हैं सम क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं कुछ बच्चे अपनी बुक्स जो है अपने फ्रेंड को देंगे और उनकी बुक्स अपने पास ले लेंगे पढ़ने के लिए तो विशेष तो टाइम होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रही होती है कोई तो फटाफट लंच खा खाकर अपना बैट बॉल और बैडमिंटन रैकेट लेकर ग्राउंड की तरफ चला जाता है कुछ बच्चे जो है स्विंग्स की तरफ चले जाते हैं अपना टिफ़न लेके और वेट करते हैं कि कब तक उनकी टर्न आएगी और कुछ बच्चे जो होते हैं स्टोरी रीडिंग बुक्स पढ़ते हैं रीड करेंगे और अपनी बुक्स को दूसरे बच्चों के साथ एक्सचेंज करेंगे जो उनके फ्रेंड्स होते हैं ठीक है हियर रिसर्च टाइम में क्या है आपने देखा कई बार प्रैक्टिस चल रही होती है ग्राउंड के अंदर बास्केटबॉल भी खेलते हैं यहाँ पर क्या है बास्केटबॉल गेम चली हुई है स्कूल इज़ ग्रेट फन बट द लंच ब्रेक इज़ द फेवरेट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन जो है स्कूल जो है ग्रेट फन है हमारा कि हम मेम हम जो है पढ़ते तो हैं साथ साथ में बहुत सी एक्टिविटीज़ भी करते हैं ठीक है बट सबसे फेवरेट जो टाइम होता है बच्चों का वो क्या होता है लंच ब्रेक एज आई एक्सप्लेन भी लंच ब्रेक में अलग अलग तरह की जो है बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको सबसे अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा रिलैक्स जो होते हैं वो कब होते हैं लंच टाइम में क्योंकि उन्हें पता है कि अब स्टडी नहीं करनी है हमको सिर्फ खेलना है जो हमारी फेवरेट थिंग्स हैं वो हमें करनी चाहिए रीडिंग बुक्स हैं स्टोरी बुक्स हैं स्विंग करना है प्ले करना है कुछ भी है तो सबका फेवरेट टाइम क्या रहता है लंच ब्रेक एवरी वन रिलैक्सिस And gets ready for the work ahead। तो उसमें क्या होता है इस टाइम में लंच ब्रेक का टाइम में उसमें सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं अपने आप को रिलैक्स करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं जो जो कि हमें नेक्स्ट काम करना है जो हमारा मीन्स लंच ब्रेक में आपको पता है कि आप रिलैक्स जाओगे बिल्कुल उसके बाद आपको पता है कि आपका मैथ्स का पीरियड आने वाला है हिंदी का पीरियड आने वाला है इंग्लिश का पीरियड आने वाला अपने तो तो आप को हाँ उसके लिए भी रेडी कर दो दू हमें स्टडी करनी है टेंशन एंड गो अवे और यह टाइम पीरियड है जिसमें कि आपकी जो टेंशन होती है है ना और जो थकान है जो आपने शुरू से स्टडी करके कंटिन्यू क्लासेस लगी हुई है तो वो आपकी दूर हो जाती है द माइंड एंड बॉडी इज फिलडिड विथ अ न्यू एनर्जी जो आपका दिमाग है वो किससे भर जाता है दोबारा से न्यू एनर्जी के साथ फॉर द वर्क अहेड जो काम आपको आगे करना है ठीक है पढ़ना है आपने आगे के लिए तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपकी बॉडी माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और उसमें फुल ऑफ़ एनर्जी आ जाती है न्यू एनर्जी किसके लिए कि कर कि हम जो जो नया हम जो न्यू वर्क करना है उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं सो हियर वी हैव डिस्कस कि लंच ब्रेक में बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं खेलना पसंद करते हैं बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं बैट बॉल खेलना पसंद करते हैं स्विंग्स पे जाना पसंद करते हैं स्टोरी रीडिंग पढ़ना पसंद करते हैं क्यों क्योंकि ये जो होता है सबसे फेवरेट टाइम होता है बच्चों का और इसी टाइम पे बच्चे क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं ताकि वो आगे का काम कर सके और उनकी टेंशन है और जो स्ट्रेस था वो भाग जाता है और माइंड में एक न्यू एनर्जी आती है जो मोटिवेट करती है अगला काम करने के लिए हमें सो डियर स्टूडेंट दे ट्राइंग टू से ये कह रहे हैं कि जो भी आपका फ्री टाइम है वो आपको कैसे मोटिवेट करता है कैसे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है कैसे आप उस टाइम को यूज़ करते हैं तो जो फ्री टाइम है जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया इस टाइम में बहुत से बच्चे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं अभी तो आप स्कूल में हो एग्ज़ाम्पल स्कूल का दिया है लेकिन जब आप घर पर होते हो जैसे तो कि आजकल हम क्या है घर पर ही हैं तो इस टाइम में आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हो क्या पता आप टीवी देखकर रिलैक्स करते हो या घर के अंदर कोई बोर्ड गेम घर खेलकर अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो या फिर कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो या फिर आपने देखा है कि आजकल योगा पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि उसको करना चाहिए उससे क्या होता है माइंड और बॉडी रिलैक्स रहती है सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी करके हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं और इन्जॉय करते हैं जी स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर And we will read how we can enjoy with a different type of activity. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.